बिहार की प्राचीन भूमि ने हमेशा से यात्रियों और साहसियों के मन को आकर्षित किया है। जहां मानव अपनी पुरानी सभ्यताओं के अवशेषों को अनुभव कर सकता है, प्राचीन ज्ञान और शक्ति के रूप में बिहार एक आदर्श यादगार स्थान है। प्राचीन सभ्यता गौरवान्वित करने के लिए एक बार अवश्य यहां पधारें। बिहार ने कई चीनी यात्रियों को अपनी ओर आकृष्ट किया है, जिन्होंने बिहार की सुंदरता का विस्तार पूर्वक सजीव वर्णन किया। फाहिन और ह्यून सॉन्ग ने प्राचीन बिहार की जीवन शैली का एक उत्कृष्ट चित्रण प्रस्तुत किया है। बिहार के बीचों बीच राजगीर हमें महानता का अनुभव कराता है। मगध राज्य की पूर्व राजधानी के रूप में ये हमें प्राचीन सभ्यता का भरपूर दर्शन कराता है। कुल 96 दरवाजों और 30 मील की किलेबंदी के साथ बाहरी शहर की रक्षा करते हुए और भीतरी शहर की सुंदर संरचना राजगीर को अपने समय का एक अद्भुत शहर बनाता है। बौद्ध पाठों के वर्णन के अनुसार ये माना जाता है कि राजगीर के निर्माण में राजा बिंबिसार के राज्य 543 से 491 ईसा पूर्व या उसके पुत्र राजा अजात शत्रु के राज्य 491 से 459 ईसा पूर्व के दौरान कराया गया था। हिंदू पुराणों में ये बात वर्णित है कि इससे पहले कि राजा बिंबिसार सिंहासन पर बैठे, करीब 35 राजा राजगीर पर पहले ही राज कर चुके थे। राजगीर नगर का वर्णन रामायण और महाभारत में भी मिलता है। रामायण में इस नगरी को वासुमती के नाम से वर्णित किया गया है, जो कि राजा वासु के द्वारा खोजी गई थी। राजा वासु हिंदू भगवान ब्रह्मा के चौथे पुत्र माने जाते हैं। उन अनेक महान और आध्यात्मिक लोगों में जिन्हें राजगीर ने आश्रय दिया था, सबसे अधिक चौंका देने वाला ब्यौरा उनमें से मगध के पौराणिक राजा जरासंध का रहा है। महाकाव्य महाभारत में जरासंध की कहानी को सुवर्णित विवरण के साथ दिया गया है। राजा बृहद्रथ की दो रानियों द्वारा दो भाग में जन्मे जरासंध ने अपना पूर्ण रूप जरा राक्षसी की उपस्थिति में प्राप्त किया। कहा जाता है जरा राक्षसी को उस बच्चे पर दया आ गई और उसने उसे जोड़कर राजा को वापस कर दिया, जिसके कारण उस बच्चे का नाम जरासंध दिया गया, अर्थात जरा के द्वारा जोड़ा हुआ। जरासंध का शासनकाल काफी तकलीफ देह था। जरासंध ने पूरे प्रांत में एक शक्तिशाली राजा के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। जरासंध कंस का श्वसुर था। कंस, जो कि मथुरा का पौराणिक राजा और भगवान कृष्ण का मामा भी था, कृष्ण का कंस को हराकर मथुरा का अधिग्रहण करना जरासंध को ठीक नहीं लगा और उसने मथुरा पर चढ़ाई करने की योजना बनाई। इस योजना को बेअसर करने के लिए कृष्ण ने भीम, जो कि पांडवों में सबसे शक्तिशाली था, उससे जरासंध का युद्ध करवाया। इस युद्ध के अंत में भीम ने जरासंध को नष्ट कर दिया। यहां की सभी कहानियां हिंसक नहीं थी। राजगीर या राजगृह, अर्थात राजाओं के रहने का स्थान, भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय विश्राम स्थल माना जाता है। शांति और आत्मज्ञान बुद्ध नाम के ही पर्याय हैं, और कहा जाता है कि बुद्ध को राजगीर में आके शांति और सौहार्द प्राप्त होता था।
राजगीर बुद्ध के कई उपदेशों का साक्षी रहा है। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध राजगीर में मनन करने आए और यहां पर उन्होंने गर्म पानी के स्रोतों में स्नान भी किया। जिस जगह बुद्ध स्वयं चले थे उस स्थान पर चलना ही एक अलौकिक अनुभूति की प्राप्ति है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर, जिन्हें वर्धमान के नाम से भी जाना जाता है, मान्यता है कि उन्होंने राजगीर की गुफाओं और वादियों में 14 सावन के मौसम बिताए थे। एक समृद्ध परिवार में पैदा होने के बाद भी उन्होंने राजसी जीवन छोड़कर, त्याग कर एक तपस्वी का जीवन चुना। बुद्ध के समय के दौरान ये माना जाता है कि जैनियों की बस्तियां भी शहर के साथ ही थी। महावीर की तरह ही बुद्ध के भी बहुत से अनुयायी थे, लेकिन राजा बिंबिसार के संरक्षण में बौद्ध धर्म को ही उपमहाद्वीप के साम्राज्यों में फैलने में मदद मिली। कहा जाता है कि बिंबिसार गौतम सिद्धार्थ से तब भी मिले थे जब वे सत्य की खोज में गया के रास्ते जा रहे थे। बिंबिसार उस व्यक्ति जो बाद में भगवान बुद्ध बने, उनके असाधारण धार्मिकता से इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वे सिद्धार्थ से सत्य प्राप्ति के बाद जाकर फिर जरूर मिलेंगे। बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु के बारे में कहा जाता है कि वो एक बहुत ही हिंसात्मक और खूंखार प्रवृत्ति का राजा था। कहा जाता है कि बाद में वे भगवान बुद्ध के अनुयायी बन गए। जरासंध का अखाड़ा या रणभूमि उस स्थान के रूप में मानी जाती है जहां भीम ने जरासंध को 28 दिनों के हिंसक युद्ध के बाद पराजित किया था। यहां के स्थानीय लोग इस जगह की स्वच्छ व श्वेत मिट्टी को इस विश्वास से अपने शरीर पर लगाते हैं कि ये उन्हें असाधारण शारीरिक शक्ति प्रदान करेगी। विद्वानों का यह भी मानना है कि इसी स्थान पर राजा जरासंध भी अपनी कुश्ती का अभ्यास करते थे। बौद्ध पाठों में पीपला की गुफा या स्थानीय रूप से जरासंध की बैठक नामक इस स्थान पर कहा जाता है कि राजा जरासंध अपनी सभा आयोजित करते थे। बौद्ध पाठों में इसे राजाओं का स्थान भी कहा गया है। महाकश्यप जब शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित थे, उस समय बुद्ध उनसे मिलने इन्हीं गुफाओं में आए थे। घाटी की दक्षिण छोर पर आप कुछ ऐसे निशान पाएंगे जो किसी रथ के द्वारा बने हों। ये निशान काफी दूर तक गए हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि ये किसी युद्ध या प्रशिक्षण के दौरान बने हैं।
यहां के स्थानीय लोग ये मानते हैं कि ये रथ के निशान उस समय के हैं जब कृष्ण जरासंध को पराजित करने आए थे। यहां पर शंख लिपियों के शिलालेख भी मिले हैं जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इन लिपियों का प्रयोग चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान किया जाता था। मुख्य शहर से दूर सेलागिरी की पहाड़ी पर 31 फीट ऊंचा गिरियक स्तूप स्थित है, जहां पहुंचने के लिए 20 फुट लंबा रास्ता है जो प्लास्टर द्वारा सुंदर रीति से सजाया गया है, जिसे देखकर यह प्रतीत होता है कि यह तीर्थ यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित स्थल था। स्तूप के संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है, जिसके कारण इसकी भव्यता और उत्तमता को बनाए रखा जा सके। पार्वती पर्वत, इसकी गाथा तो और भी रोचक है। जब एक भिक्षुक को भूख लगी और उसने भोजन के लिए प्रार्थना की, तभी एक उड़ता हुआ हंस उसके सामने मृत आ गिरा। उसके बाद उस भिक्षु ने हंस के अवशेषों के ऊपर एक स्तूप की स्थापना की। इस कारण से उस स्तूप का नाम हंस स्तूप या स्वान स्तूप पड़ा। पार्वती पर्वत एक पृथक पहाड़ है जिसके विशाल क्षितिज के शिखर पर मंदिर दिखाई देता है। इसी पर्वत के पास एक और अनखुदा स्तूप है जिसे हम हंस स्तूप कहते हैं, और इसका वर्णन विनसांग के लेख में मिलता है। हरियंका राजवंश के दौरान राजगीर नगर पूरी तरह से एक 25-30 मील लंबी जन्नती दीवार से घिरा हुआ था, जिसकी औसतन मोटाई 17 फीट और 6 इंच की रही हो। ये दीवार ऐसी लगती है कि ये रक्षात्मक प्रयोजन के लिए बनाई गई थी, जिसमें यूनानी शैली के गढ़ के साथ अंदरूनी दीवार की तरफ से चढ़ाई के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसे देखकर कई विद्वानों का मानना है कि ये दुर्ग सेना का हिस्सा रहा होगा, जो बाद में भिक्षुओं और तपस्वियों के लिए ध्यान स्थल बन गया। इस दीवार पर कहीं भी चूना या गिट्टी नजर नहीं आती, और ये पूरी तरह से बारीक बंधे पत्थरों द्वारा निर्मित है। इस निर्माण के पैमाने 2500 साल बाद भी आज साफ नजर आती है। स्थानीय भाषा में इसे सोन भंडार बुलाया जाता है, और लोगों का मानना है कि इस जगह पर राजा बिंबिसार ने अपना खजाना रखा था। ये दोनों बड़ी गुफाएं गया की बराबर गुफाओं से काफी मेल खाती हैं। कहते हैं कि ये कभी एक सैन्य किला थी, जो कि किलेबंदी के समय शहर का प्रवेश द्वार था। पूरे ढांचे को पहाड़ी के एक ही तरफ से बनाया गया है। बड़े कमरे के दरवाजे के भीतरी हिस्से पर एक अज्ञात लिपि द्वारा शिलालेख देखा जा सकता है। यहां ये कथा भी प्रचलित है
कि जो भी इस शिलालेख को पढ़ लेगा वो खजाने के द्वार को खोलने में सक्षम हो सकेगा। बिंबिसार की जेल और अजात शत्रु के किले के लिए कहा जाता है कि ये वही स्थान है जहां राजा बिंबिसार को उसके ही पुत्र अजात शत्रु ने कैद कर तड़पा तड़पा के मारा था। यहां एक लोहे की कड़ी मिली है जो इस बात की साक्ष्य है कि अजात शत्रु ने अपने पिता को एक दर्दनाक मौत दी थी। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि यह स्थान शायद राजगृह के सैनिक किलेबंदी का हिस्सा भी हो सकता है। वेणुवन के पूर्वी हिस्से में जो मुख्य सड़क के पास है पत्थर की संरचना के अवशेष पाए जाते हैं। वेनसांग बताते हैं कि उन्होंने अजात शत्रु के द्वारा बनाए गए स्तूप को देखा है। मनियार मठ शायद बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थान माना जाता है। पिछले कई सालों में इस स्थान से काफी कलाकृतियां मिली हैं, जैसे कि मूर्तिकला और बर्तन। प्लास्टर की क्षतिग्रस्त छवियां आज भी उत्कृष्ट कला का बयान करती है। यह स्थान मूल रूप से नागा संप्रदाय की पूजा का स्थान है। मणिनाग या मणिधारी सर्प ये नाम है फुनकारती नाग मूर्ति का, जो इसी स्थान पर खुदाई में पाई गई थी। ये संरचना बेलनकार है जो एक वर्ग सीमा से घिरा हुआ है। इस संरचना का केंद्र खोखला है और लगभग 20 फीट गहरा है। कहा जाता है कि ये बिंबिसार की सभी पत्नियों का धन बांधे हुए है। मुख्य संरचना के साथ कई छोटी संरचनाएं भी पाई गई हैं। ये पूरा परिसर हिंदू जैन और बौद्ध तीर्थ यात्रियों में समान रूप से पूजनीय है। इस बड़े स्तूप के अवशेष राजगीर के प्रवेश पर पाए जाते हैं। पुरातात्विक अनुसंधान के अनुसार इस स्तूप का संदर्भ या उल्लेख किसी भी प्राचीन शिलालेख में उपस्थित नहीं है। अशोक स्तूप को लेकर अक्सर विद्वानों के बीच बहस रहती है। फाहियान ने इसके निर्माण का श्रेय अजात शत्रु को दिया है। वहीं वानसांग का मानना है कि इसे राजा अशोक ने गृद्धकूट के सम्मान के चिन्ह के रूप में बनाया था। गृद्धकूट पर्वत बुद्ध का मनन और ध्यान करने के लिए सबसे प्रिय स्थान माना जाता है। यहां से उन्होंने अपना प्रसिद्ध कमल धर्म उपदेश दिया था। कहा जाता है कि हजारों लोग उनका उपदेश सुनने के लिए एकत्रित होते थे। आज के दिन भी गृद्धकूट में प्रबुद्धता की गर्मजोशी का एहसास किया जा सकता है।
बुद्ध को समर्पित मंदिर आज भी शिखर पर देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म के लोगों के लिए ये बुद्ध के समय से ही एक पवित्र स्थल है और आज भी यहां बौद्ध तीर्थ यात्री आते हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार वेणु वन, या जिसे बांस का वन भी कहा जाता है, गौतम बुद्ध का सबसे पसंदीदा विश्राम स्थल था। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार वेणु वन वो पहली जमीन का टुकड़ा था जिसे राजा बिंबिसार ने बुद्ध को उपहार स्वरूप दिया था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण प्राप्ति के 6 माह के बाद उनके सबसे सम्मानित शिष्य महाकश्यप ने राजगीर नगर के ऊपर स्थित सप्तपर्णी गुफाओं में पहली बार बौद्ध परिषद आयोजित किया था। इसी परिषद के दौरान बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया ताकि उसे आने वाले समय के लिए संरक्षित रखा जा सके। इसके 3 भाग हैं जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। परिषदों के आयोजन की अवधारणा इसी जगह से हुई थी ताकि बौद्ध धर्म को सार्वभौमिक रूप से मजबूती के साथ प्रचारित किया जा सके। जेठियन, जिसे मूल रूप से यष्टिवन या लाठीवन के नाम से भी जाना जाता है, बुद्ध अपनी प्रबोधन प्राप्ति के बाद लौटकर राजगीर में यहां आकर ठहरे थे। इस घाटी के आसपास कई स्तूप मिले हैं जो कि बुद्ध के इस क्षेत्र में होने और उनकी लोकप्रियता के चिन्ह हैं। इंद्रशाला की गुफा की गाथा काफी रोचक है। एक दिन जब बुद्ध गुफा में ध्यान कर रहे थे तभी इंद्र, जिन्हें देवों का देव माना जाता है, उन्हें दर्शन देकर 42 वशिष्ठ प्रश्न पूछे। उन्हीं उत्तरों के द्वारा सक्कापन सूत्र की रचना हुई। ये गुफा घोड़ा कटोरा बांध के पीछे है और ग्रियक स्तूप के जाने वाले रास्ते के थोड़ा नीचे है। विश्व शांति स्तूप 1969 में नोजिदात्सु फुजी नामक एक जापानी बौद्ध भक्त द्वारा स्थापित किया गया और इसकी रूपरेखा प्रसिद्ध कलाकार उपेंद्र महारथी द्वारा तैयार की गई थी। ये शांति के संदेश देने के लिए बनाया गया था। यहां बुद्ध की 4 स्वर्ण प्रतिमाएं अपने अमर तेवर के साथ देखी जा सकती हैं। इन्हें आप विश्व के किसी भी कोने से प्राप्त कर सकते हैं। यहां मनन करने के लिए एक मंदिर भी है जहां बुद्ध की धड़कनें हमेशा हमेशा के लिए गूंजती रहेंगी। जापानी मंदिर, ये राजगीर की हाल ही में निर्मित संरचना है। इस मंदिर में पर्यटक एवं बौद्ध श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर की सजावट और भीतरी वास्तुकला शिल्प इतनी सुंदर है कि यह आत्मा को मोह लेती है।
पूरे भारतवर्ष से हिंदू श्रद्धालु पवित्र गर्म पानी के झरने ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने आते हैं। ये माना जाता है कि इस पानी में जोड़ों और गठिया के दर्द को हर लेने की शक्ति है। ब्रह्मकुंड में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते हैं। जो कि देवी और नारायण की पत्नी लक्ष्मी के लिए समर्पित है। मंदिर का क्षेत्र गर्म पानी के झरने ब्रह्मकुंड तक फैला हुआ है। जरा देवी का मंदिर दीर्घाय की देवी को समर्पित है। यह मंदिर पत्थर के ढेर और खुदाई प्रयास के एक स्थल के सबसे ऊपरी स्थान पर स्थित है। 1950 में यह दिखाया गया था कि उस स्थान के नीचे और भी बड़े मंदिर की संरचना है। यह स्थान महाभारत के समय से राजा जरासंध का कथित पूजा स्थल था। जैन श्रद्धालु यहां पांच पर्वत के दर्शन के लिए आते हैं। राजगीर पंच पहाड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। विपुला पर्वत में चार दिगंबर मंदिर हैं और एक श्वेतांबर मंदिर है। उसके साथ का रास्ता सप्तपर्णी गुफाओं की ओर ले जाता है। रत्नागिरी पर्वत में तीन दिगंबर और एक श्वेतांबर मंदिर है। उदयगिरी पर्वत में तीन दिगंबर और चार श्वेतांबर मंदिर है। स्वर्णागिरी पर्वत पर दो दिगंबर और एक श्वेतांबर मंदिर है। वैभवगिरी में चार श्वेतांबर और एक दिगंबर मंदिर है। राजगीर और उसके आसपास के क्षेत्र में लगभग 25 जैन मंदिर हैं। महावीर भगवान की जयंती के साथ 1973 में विरायतन जैन संस्थान का निर्माण किया गया। ये संस्थान मानवता की सेवा के लिए केंद्रित है। इस संस्थान के श्रद्धालुओं ने सामुदायिक स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति के क्षेत्र में सराहनीय योगदान दिया है। विरायतन का कला केंद्र श्री ब्रह्मी कला मंदिरम जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को प्रदर्शित करते हुए असाधारण रूप से पर्यटकों को आकर्षित करता है। खूबसूरती के साथ गढ़ी गई लघु शिल्पियां जैन धर्म के गैर हिंसक दर्शन को उजागर करती हैं। मखदुम कुंड के गर्म पानी के झरने पर अक्सर अनेक मुस्लिम श्रद्धालु आते हैं। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सूफी भक्त मखदुम शाह शरफुद्दीन ने 12 साल समाधि लेकर राजगीर की गुफाओं में गुजारा। घोड़ा कटोरा झील एक प्राचीन झील है जो कि राजगीर के राजसी पहाड़ियों की गोद में समाई हुई है। यह झील कई प्रजातियों के लिए निवास स्थान है, मुख्य रूप से श्वेत हंस और मुबारक बत्तख। ये एक प्रदूषण मुक्त और आनंदमय पर्यटक स्थल है। पांडव पुष्करणी पोखर एक पौराणिक तालाब जो महाभारत के पांडवों से जुड़ा हुआ है। ये एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है।
वैभार गिरी पर्वत पर गर्म पानी के झरनों में रोग हरने की शक्ति की मान्यता है। यह हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के श्रद्धालुओं का पसंदीदा स्थान है। अंबेडकर मृग विहार। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर है जो राजगीर में स्थित है। ১৯৭৮ में बनी पंत वन्य जीव अभयारण्य उपजाऊ वनस्पति और वन्य जीव से भरपूर है। राजा बिंबिसार के राजसी चिकित्सक जीवक ने बुद्ध को इस वनस्पति उद्यान को समर्पित किया जो कि उसे राजा बिंबिसार ने उपहार स्वरूप दिया था। रज्जु मार्ग पथ द्वारा विश्व शांति स्तूप तक पहुंचा जाता है। यह मार्ग सिर्फ पहाड़ की चोटी तक पहुंचने का आसान रास्ता ही नहीं है बल्कि एक मन को हर्षित करने वाला आनंदमय अनुभव भी है। पहाड़ी के ऊपर का यह दृश्य अनोखा और शानदार है। राजगीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र सभाओं के लिए एक उम्दा और सभी तौर से सुसज्जित स्थान है। ये विरायतन के मार्ग पर स्थित है। चारों ओर वादियों की शांति में लिप्त यह एक उत्कृष्ट स्थान है जहां बड़े पैमाने पर सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। मलमास मेला एक सामूहिक अनुष्ठान है जहां लोग अपने आप को पुनर्जन्म की चक्रव्यूह से मुक्त करने आते हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यह मेला फसल के काटने के पर्व के साथ मनाया जाता है। राजगीर महोत्सव एक सांस्कृतिक त्यौहार है जिसे 1994 से शुरू किया गया था जिसमें विभिन्न कलात्मक प्रदर्शनों की सूची के कलाकार यहां आते हैं। यह एक वार्षिक आयोजन है जो पूरी दुनिया के विभिन्न लोगों को एक साथ यहां लाता है। राजगीर में बहुतायत से इतिहास कला स्थापत्य कला और आध्यात्मिकता भरी है। बस जरूरत है तो बाहर निकलकर उस तक पहुंचने की। पटना शहर से 100 किलोमीटर की दूरी पर राजगीर स्थित है जहां आप प्राचीन पुरातात्विक और आध्यात्मिक गंतव्य से मिल सकते हैं। लेकिन आपकी पटना की वापसी का सफर यहां के स्वाद के आनंद बिना पूरा नहीं होगा। खस्ता मीठा जिसे खाजा कहते हैं यहां के सिलाव गांव में उपलब्ध है। ये आपकी यात्रा को सार्थक बनाते हैं। राजगीर के पास स्थित नेपुरा गांव अपनी पारंपरिक हस्तकला और बुनाई तकनीक के लिए प्रसिद्ध है। ये एक यादगार स्मृति लेने के लिए बहुत खूब जगह है जो आपको एक खूबसूरत छुट्टियों की हमेशा याद दिलाएगी। जैसा कि बुद्ध द्वारा कहा गया है, मंजिल को पा लेना ही आपको सफल नहीं बनाता बल्कि बेहतर व रोचक यात्रा आपको सफलता की चोटी पर पहुंचाती है।
राजगीर से। पत्थर से बात करता पत्थर, कभी संस्कृति की, कभी सभ्यता की। अरे हमने देखा है सम्राट अशोक को, देखा आजीविकों को, बौद्ध भिक्षुओं को, और ना जाने क्या क्या देखा। अरे अरे अब बात करो प्रेम की, बराबर की, उसके भविष्य की।